माननीय केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में और शिक्षा क्रांति के अंदर एक नया कदम लिया। पहली बार इस देश के अंदर वर्चुअल स्कूल की स्थापना हुई। पूरे सदन को केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहिए कि आज टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन यूज कि किस प्रकार से दिल्ली में हो रही शिक्षा क्रांति देश के हर बच्चे को उपलब्ध हो, ये केजरीवाल जी ने किया। उनको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। मुझसे कोई कह रहा था कि भाई केजरीवाल जी अपने मूड में है, भाजपा कुछ भी कर ले, किसी प्रकार का भी ऑब्स्ट्रक्शन उनके रास्ते में डाले, लेकिन वो रुकते नहीं है। यहां इतना कुछ हो रहा है लेकिन वो वर्चुअल स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। तो इसने कहा, अब ना तो हमारे अरविंद जी हाथी हैं ना वो हैं, लेकिन एक कहावत है हिंदी में, हाथी चले बाजार। तो ये मैं कहना नहीं चाहता हूं सबको, लेकिन ये जिस प्रकार से अरविंद जी, ये आपने जो बेधड़क एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यही तो मुसीबत है उनको। उनको लगा था कि भाई राजनीति में आने के बाद हमारे रंग का हो जाएगा। उनको आपत्ति ये नहीं है, वो जनता को ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद जी तो आए थे एंटी करप्शन के मसले पे, वो भी हमारे तरह ही हैं। उनकी सारी की सारी जद्दोजहद इसको सिद्ध करने में लगा है कि ये हमारे तरह ही है। वो ये सिद्ध नहीं करना चाहते, वो लकीर बड़ी नहीं खींचना चाहते कि हमारी लकीर बड़ी है। वो सिद्ध करना चाहते हैं कि जी हमारे तरह ही है। उसी का परिणाम रहा गुजरात में, आम आदमी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मनोज जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से भाजपा आज आहत है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, किस प्रकार से अरविंद जी का समाधान ढूंढे वो। और उस हमले के बाद यह परिणाम हुआ गुजरात में, गुलाब भाई यहां बैठे हैं, कि संख्या हमारी जनसभा में दुगनी हो गई, तिगनी हो गई। तो गुजरात के अंदर जो आज 27 साल के बाद भाजपा आज पीड़ित दिख रही है कि किस प्रकार से गुजरात के अंदर उनकी सत्ता जाने वाली है, और करीब करीब पंजाब हो सकता है उससे ज्यादा रिपीट होने वाला है, यही उनकी मुश्किल है। मैं देख रहा था कि किस प्रकार से अभी एक वीडियो भी आई कि जी जनसभा भारतीय जनता पार्टी का, और वहां में आए लोग अरविंद जी की बढ़ाई कर रहे हैं। वो मीडिया वाला पूछा भी, फिर आए क्यों आप? बोले हमको तो लाया गया है। तो मुझे ये आज कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जो सपने बाबा अंबेडकर ने देखे, जो सपने शहीद भगत सिंह जी ने देखे, जो सपने उस वक्त के क्रांति के साथियों ने देखा, अरविंद जी के हाथों भारत में पूरा हो रहा है। साथियों, मैं पढ़ रहा था अखबारों के अंदर, आज एक और न्यूज छपा है कि जी एलजी साहब केस करेंगे। एलजी साहब जो हैं हमारे कुछ साथियों पे केस करेंगे कि भाई आपने 1400 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया। मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोई भी नॉन सीरियस बात नहीं करता है। मैंने कल भी ये बात कही थी, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैंने कल भी सलाह दी थी एलजी साहब को, एलजी साहब जो दुनिया के सबसे बड़े वकील हैं उनको अपने पास रख लीजिएगा, जब कोर्ट जाएंगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की, क्योंकि आपका केस बहुत वीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। दो दो बड़े बड़े दो दो हेड कैशियर्स इस बात का प्रमाण दे रहे हैं लिखित में कि किस प्रकार से एलजी साहब ने उनकी अथॉरिटी को मिसयूज किया और ब्लैक मनी को वाइट किया। मैं पूरे अखबार पढ़ रहा था कि भाजपा का एक भी कोई भी पॉजिटिव कहीं कोई न्यूज है, तो दो न्यूज निकला। एक निकला कि जी झारखंड में भाजपा की नेता सीमा पात्रा जी ने किस प्रकार से एक आदिवासी महिला का इस प्रकार से अमानवीय, बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक किया, भाजपा के एक न्यूज ये निकला। दूसरा न्यूज निकला कि जी मथुरा में प्लेटफॉर्म से बच्चा चोरी करके जो बच्चा गायब हो गया था, वो किसी भाजपा के पार्षद के घर से निकला।
तो भाजपा के पास आज के तारीख में पूरे देश के अंदर कुछ भी पॉजिटिव बताने को नहीं है, इस प्रकार के कारनामे उनके नेता कर रहे हैं, तो लाजिमी है कि अरविंद जी से उनको घबराहट बहुत ज्यादा होगी। साथियों, कल अध्यक्ष महोदय, कल हम लोग सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे, 1.5 घंटा बैठे, 12-12 विधायक जमीन पे बैठे, 12-12 विधायक और हमारे सांसद संजय सिंह जी भी जमीन पे बैठे, और हम सब ने 1.5 घंटा वहां पे प्रोटेस्ट किया। उसके बाद सीबीआई कोई भाजपा का हेडक्वार्टर नहीं है, सीबीआई देश का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वहां पे हर आम आदमी की राइट है कि जाकर के वहां कंप्लेन दे सके। लेकिन 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद वहां से एक आदमी आते, कहते आप दे दो और हम वहां दे देंगे। लेकिन फिर उनको लगा कि जब हमारे साथियों ने कहा किस प्रकार से आप ये हमें नहीं जाने दे रहे हैं, तो वहां हमारे दो साथी जाकर के देके आए, साफ साफ खुले शब्दों में पहली बार किसी पार्टी ने यह बात कही कि जो 277 विधायकों को तोड़ करके विभिन्न राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन सारे राज्यों में जिस प्रकार से सरकारें तोड़ तोड़ के, मैं कह रहा था कि पीएचडी मिलना चाहिए माननीय मोदी जी को, उनकी एमए तो डाउटफुल है, जो कहते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है वो तो डाउटफुल है, लेकिन पीएचडी जरूर उनको मिल सकती है, पीएचडी इन हाउ टू मेक अ गवर्नमेंट विदाउट हैविंग एमएलएज, ये पीएचडी का थेसिस है। और सिर्फ यही मिल जाए, यही 4 पन्ना दे दें, तो ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री तो वेरीफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर ये 4 पन्ना उनको दे दिया जाए किसी यूनिवर्सिटी को, तो माननीय मोदी जी को हम आगे से फिर डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं, आज से ही कह देते हैं, पीएचडी इन हाउ टू मेक अ गवर्नमेंट विदाउट हैविंग एमएलएज। अध्यक्ष महोदय, सीबीआई और ईडी का ऐसा दुरुपयोग हो गया है इस देश में, लोग मजाक बनाने लगे। आजकल एक ऑडियो घूम रहा है पूरे देश में, लोग ऑडियो घूम रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको 20 सेकंड का ऑडियो वो सुनवा दूं, क्योंकि ये पूरी बात किस प्रकार से मजाक बना दिया इन्होंने ये जाहिर हो जाएगा। मैं आपकी इजाजत से चलाता हूं इसको। हेलो, हाँ जी, मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ भैया। ईडी से? अरे साहब, मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब। सॉरी, रॉन्ग नंबर, सॉरी। थैंक यू सर। ओके, तो ये स्थिति हो गई है, वो एजेंसियां जिसको देश के अंदर करप्शन और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुद्दों को उठा करके देश की सिक्योरिटी को संभालना था, उसकी स्थिति ये हो गई है। तो ये मैं कह रहा था इस बात को कि किस प्रकार से इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये फिर अपने आप चल गया, देखिए इतना अच्छा हो रहा है ये। ये आज जो माननीय केजरीवाल साहब ने सदन के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, उसके समर्थन में खड़ा हूं, और लोग पूछ रहे थे क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी, तो आज सदन के अंदर सभी साथियों को देख करके भारत में एक विश्वास पैदा हो गया है, सिंगल पार्टी है जिसके नेता, मंत्री, एमएलए, कार्यकर्ता आप लालच दे दें, डरा दें, धमका दें, कुछ भी कर दें, वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और देश को धोखा नहीं देंगे, इसकी जरूरत है, ये जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कसम खाई है इस देश के अंदर जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस का मॉडल, मैंने पहले भी सदन के माध्यम से मोदी जी को बचाने का प्रयत्न किया था, अच्छा ये होता कि केजरीवाल जी को, मनीष जी को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई जाती माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसमें कहा जाता कि भाई गुड प्रैक्टिसेस कहां कहां किस प्रकार से हो रहे हैं, उनको सभी मुख्यमंत्री बताएं, एक दूसरे के गुड प्रैक्टिसेस से सीख करके ही भारत माता की जयकार होगी, भारत बढ़ पाएगा, भारत वर्ष का भला हो पाएगा, भारत के हर बच्चे का भला हो पाएगा। आज वर्चुअल स्कूल के माध्यम से बड़ा साफ साफ है, डिफरेंस साफ साफ है कि किस प्रकार से एक पार्टी इस काम में लगी हुई है कि बच्चों को अशिक्षित रखा जाए, देश को अशिक्षित रखा जाए, देश को गरीब रखा जाए,
क्योंकि गरीब और अशिक्षित जनता ही इस प्रकार के प्रधानमंत्री को ला सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। हमें गर्व होता है कि हमें केजरीवाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ भारत की सेवा करने का मौका मिला। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।